सोनिया गांधी की विपक्षी दलों के नेताओं के साथ अहम बैठक, ममता उद्धव भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुआ नक्सली हमला, आईटीबीपी के दो जवान हुए शहीद। महाराष्ट्र के बुलढाणा में मजदूरों को लेकर जा रहे ट्रक पलटे, 12 मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना नियमों की हुई अनदेखी, मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दो दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर करेंगे कई बैठकें। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर यूपी में कांग्रेस 3 दिवसीय जन भारत संपर्क अभियान चलाने जा रही है। पार्टी अभियान में 90 लाख लोगों से संपर्क किया जाएगा। इस अभियान में 75,000 कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 15,000 गांव में देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए और सांप्रदायिकता को दूर हटके प्रेम और प्यार और सद्भावना बनाए रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सारा लहू वतन का जमी को पिला दिया, हम पे वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। सौम्यता की प्रतिमूर्ति भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश में संचार क्रांति लाकर एक आधुनिक भारत की नींव रखी, ऐसे हमारे पुरोधा राजीव गांधी जी को उनकी 70वीं जन्म जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन करने के लिए हम सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। आज उनको हम सम्मानपूर्वक याद करते हैं, न केवल भारत को आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए बल्कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दें। लखनऊ में आज 10वीं मुहर्रम गमगीन माहौल में मनाई गई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल भी कोई जुलूस नहीं निकाले गए, लेकिन आजादारों ने अपने घरों में ताजिए रखे और मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि इमाम हुसैन सिर्फ शियों के लिए नहीं है, वो हर मजहब हर समुदाय के लिए है। उनकी कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए आज भी मिसाल है। बलिया में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा का बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी सम्मेलन में बड़ा बयान उन्होंने दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी तो बिकरू कांड की दोबारा जांच कराई जाएगी। बिकरू एनकाउंटर मामले में जांच समिति की जांच पर फिर से उन्हें सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि सतीश मिश्रा ने रामलला की नगरी अयोध्या को प्रदेश का सबसे खराब जिला बताया। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में यह सरकार सिर्फ चीन के दीपक और लाइट जलवाना जानती है। वहीं सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बूढ़ी राप्ती और घोराही नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से कई गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ का पानी हजारों बीघा फसलों को भी डुबा चुका है। वहीं गांव के बाहर निकलना तक लोगों के लिए इस वक्त मुश्किल का सबब बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक हमारे गांव में ना तो कोई अधिकारी आया ना ही कोई कर्मचारी आया और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे गांव में भी सर्वे किया जाए और हम सबका जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा हमें दिलवाया जाए, जिससे हम लोग अपने परिवारों को खुशहाल रख सके। वहीं जेडीयू के प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए भी वहां पहुंचे हुए थे। खरी शीतलपुर ग्राम आया, ये गांव पूरा बाढ़ से ग्रस्त है, पानी से घिरा हुआ है और मैं पूरे गांव वालों से बातचीत किया और गांव वालों की समस्याओं को सुना और यहां सरकारी योजनाओं का अभी तक कोई लाभ लोगों को नहीं मिला और सारे लोग समस्याओं से परेशान हैं। इसके लिए मैं प्रशासन से बात करूँगा। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बाढ़ में हमारी फसलें नुकसान हो गई हैं, खाने के लिए लोगों के पास कुछ है नहीं, तो इसमें आप क्या पहल आपका होगा? हमारा पहल तुम्हारा होगा कि मैं यहाँ के एसडीएम से बात करूंगा कि यहाँ लोगों को सरकारी लाभ क्यों नहीं मिला
और यथास्थिति मेरी भी जो सब होगा मैं लोगों की समस्या सुना उसके ऊपर। वही लखनऊ में अखिल भारत हिंदू श्रमिक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने प्रेसवार्ता की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हिंदू श्रमिकों की आज वो स्थिति है कि दैनिक मजदूरी करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिल पा रही है और वर्तमान सरकार जिस प्रकार से संविदा कर्मचारियों दैनिक मजदूर और ठेकेदारी की प्रथा से श्रमिकों का शोषण कर रही है, हम सभी प्रदेश के संगठनों के अध्यक्षों से बात कर उनकी मांगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर पूरा कराने का प्रयास करेंगे। जल्द ही इस मामले में सीएम से मुलाकात की जाएगी और श्रमिकों पर हो रहे अत्याचार को हिंदू श्रमिक महासभा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो लखनऊ में आज श्रमिक महासभा की बैठक आयोजित की गई है जहां पर हिंदू श्रमिकों के लिए इस वक्त पदाधिकारी आगे आए हुए हैं। लगातार मांग की जा रही है कि श्रमिकों पर अत्याचार किया जा रहा है, डेली काम करने के बाद भी उनको उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे लगातार इस वक्त श्रमिकों में आक्रोश बना हुआ है। वहीं पदाधिकारियों ने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में वह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर इस मामले में ज्ञापन सौंपेंगे और तत्काल कार्रवाई की भी मांग की जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत उन सबको रोजगार दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश के किसी भी श्रमिक को वापस मुंबई या दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कोरोना काल का प्रथम चरण समाप्त होता है, उत्तर प्रदेश के सारे श्रमिक जो कि मुंबई और दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश आए, वो वापस रोजगार के लिए वहाँ चले जाते हैं। अर्थात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी घोषणा को पूरा कर पाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। वो विफलता आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। हमारी श्रमिक सभा वो सभा नहीं है जो पहले सभाएं थी, हमारी श्रमिक सेना हो चुकी है। आज के डेट में ये श्रमिक सेना के नाम से जानी जाएगी। हमारे श्रमिकों के बारे में कोई किसी भी तरीके से जो कुछ भी होगा, हम लोग सड़क पे उतरेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे, जो भी वहाँ की मौजूदा सरकार है उससे लड़ेंगे, किसी भी तरीके से हम अपने श्रमिकों के। वहीं सहारनपुर में दिल्ली है देहरादून नेशनल हाईवे पर सड़क धंसने से ईंटों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना के दौरान ट्रक चालक ने कूदकर किसी प्रकार से अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद ली। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए कार्रवाई इस पूरे मामले में शुरू कर दी है। वहीं गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फौरन एक्टिव मोड में आते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। अब पुलिस हत्या आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। साहब 4-5 दिन से चल रहा था झगड़ा आपस में। अच्छा। हम लोग क्वार्टर लेके पहले रहते थे कहीं और, तो आई ससुराल में कहीं चलो एक महीना के लिए हम लोग चला गया। फिर हम उसका भाई जो था वो हमको डिस्टर्ब कर रहा था। हम कहे भाई खाली कर देंगे क्वार्टर, हमें मिल जाएगा हम खाली कर देंगे। फिर हमने क्वार्टर ले लिया साहब। उसके बाद कह रहे जाओ तुम उधर रहो, हम नहीं जाएंगे, हम अपने नहल रहेंगे। तो उसकी भाभी भी है चढ़ा दी थी। तो फिर हम लोग में आपस में झगड़ा हुआ साहब, अब उसी में हाथापाई में वो भी हमारा गला दबा देती हम भी चाकू लिए। हाँ बहुत आफसोस है साहब, औरत गलत नहीं थी। थाना शाहपुर में एक पति ने अपने पति की पत्नी की हत्या कर दी थी। इस संबंध में उसको 24 घंटे के अंदर ही शाहपुर पुलिस ने बरामद कर ली। गिरफ्तारी टीम की गई है, उसमें सीओ गुरुनाथ के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष शाहपुर और उप निरीक्षक मोहम्मद आर्य और बाकी जो टीम है सबने मिलकर 24 घंटे के अंदर इनको पकड़ा है। इनके पास से आला कत्ल एक अदद पुनालु। वहीं फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र के कलाना गांव में आज महिलाओं ने ग्रामीणों के साथ
देसी शराब की दुकान का बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिया और शराब की दुकान को बंद करा दिया, जहां महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान खोलने से पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा और महिलाओं को आने जाने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। यहां शराब के नशे में अराजक तत्व आए दिन अजीबोगरीब हरकतें करते हुए भी दिखाई देते हैं। इससे पहले भी शराब की दुकान को लेकर विरोध किया जा चुका है, लेकिन तब तक दुकान बंद रह गई, लेकिन आज फिर से दुकान को खोला गया, जिसको लेकर प्रदर्शन करते हुए शराब की दुकान को फिर से बंद कराने की मांग की गई है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी भी पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर कस्बे से दुकान हटाकर अन्य जगह खोलने की मांग की है। शराब का ठेका खोला गया है। हम लोग चाहते हैं कि आबादी के बाहर होना चाहिए, आबादी के अंदर ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बर्बादी के अलावा भलाई नहीं होगी, और अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर बहुत भारी विवाद होगा, ठेका बाहर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कहना चाहते हैं कि गांव के अंदर ठेका जो खोला जा रहा है वो बाहर खोला जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसान आदमी हैं, हर बाहर जाते हैं चोर और नंगे लुच्चे गाली गलौज करेंगे, फिर विवाद बढ़ेगा, बस मेरा इतना ही कहना है। वहीं फरीदाबाद में एक महिला की ब्लैकमेलिंग की वजह से परेशान होकर एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि मृतक ने नगर निगम में डिस्पैच का काम कर रहा था। वहीं बता दें कि एक महिला उसे पैसों के सिलसिले में लगातार परेशान कर रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की घेराबंदी कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है, जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इन्होंने इसको आईसीयू में एडमिट किया सीधा, उसका इसको वेंटिलेटर पे रखा। उल्टिया किस कारण से? किस कारण से? बोला था कि मैंने कुछ खा लिया है, मैंने जहर खा लिया है। मैंने पूछा क्या खाया तुमने? इसने बोला मैंने जहर खा लिया है। ये टेंशन में था कल भी और पहले भी टेंशन में रहता था, और ज़्यादातर ये झगड़ा वगैरह किसी एक इनके ऑफिस में काम करती हैं, एक इनके साथ में हिमानी, उसका नाम लेता था कि मैंने उसको पैसे दिए हुए हैं 10-15 लाख रुपये और वो पैसे मेरे दे नहीं रही, ब्याज पे लेके दिए मैंने उसको। मानवता अस्पताल में अंकुर नाम के व्यक्ति ने जहर खाकर मतलब जहर खा लिया है और वो मानवता अस्पताल में एडमिट है। अच्छा। तो मैं उसकी स्टेटमेंट के लिए आया था अभी। हाँ। तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। ठीक है जी, और अभी तक कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। हाँ। जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आया। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक युवक ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि हत्या से पहले जमीनी विवाद को लेकर मां ने बेटे के खिलाफ तहरीर दी थी और पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई थी। वहीं हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। अब पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए हत्यारोपी बेटे की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। झगड़ा चल रहा है उसका, हिस्से बंटवारे होगा, हिस्से बंटवारे हो रहे तो वो कह रही 4 हिस्से होंगे, उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई थी। और ये दोनों बेटे कह रहे हैं कि एक ही 3 हिस्से होंगे 3 भाइयों के, चौथा ना देने के, बिल्कुल भी चाहे मर जावा चाहे कट जावा चाहे कुछ भी देने के नाम, वो डर के मारे यहाँ सो ना रहेंगी और कहीं सो। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।